भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। डीमार्ट शॉप से सामग्री चुराने वाली महिला के खिलाफ भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। घटना 17 मई को सामने आई। इसे लेकर डीमार्ट के कर्मचारी पल्लव राजेंद्र रेटर उम्र 32 वर्ष की शिकायत पर महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी महिला का नाम भंडारा निवासी शारदा शर्मा उम्र 55 वर्ष बताया जा रहा है। 5 मई को एक महिला द्वारा डीमार्ट शॉप से अंजीर के पैकेट चुराए गए थे। वही महिला फिर एक बार 17 मई को डीमार्ट में पहुंची। इस दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारियों को महिला पर संदेह हुआ। मार्ट की महिला कर्मचारियों ने शारदा शर्मा से सामग्री खरीदी है क्या, यह पूछा, जिस पर महिला ने टाल मटोल जवाब देने लगी। तब महिला कर्मचारियों ने शारदा की तलाशी ली तो साड़ी के अंदर पैंट लटकाकर महिला ने सामग्री छुपा कर रखी थी, जिसमें बनियान, नैपकिन, सफेद दुपट्टे, ग्लास, क्लीनर, पार्टियो, फेस वॉश आदि कुल 3,150 रुपयों की सामग्री चुराई। गोंदिया के छोटा गोंदिया परिसर में विठल रुक्माई मंदिर के पास देवबोड़ी झील में मछलियों के मरने से परिसर में दुर्गंध पैदा हो गई है। इससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह झील छोटा गोंदिया क्षेत्र में स्थित है और यहां पर गोंदिया शहर से दूषित पानी जमा होता है। कई बार स्थानीय नागरिकों ने इसकी शिकायत नगर परिषद और जिला प्रशासन से की है, लेकिन प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस जगह पर हर साल मछलियां मरती है, लेकिन इस साल बड़ी संख्या में मछलियों के मरने से नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और बदबू के कारण नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर इस पर कोई ठोस कदम उठाए। उपाय योजना नहीं करने पर स्थानीय नागरिकों ने भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। साहब, इथं असं आहे, आज 4 दिवस झालेले आहेत आणि हे शासनाला पण याची माहिती आज आपण दिलेली आहे। कलेक्टर साहेबांसोबतही बोलणं झालं, प्रलजय नायर साहेबांसोबत आणि नगरपरिषदच्या अधिकाऱ्यांसोबतही बोलणं झालं। हे खूप पुरानी बोडी आहे आणि दरवेळेला ह्या उन्हाळ्याच्या वेळेला या ठिकाणी हा त्रास वाढतो आणि आता कमीत कमी इथं त्या मासऱ्यांना किडे लागून गेलेले आहेत। 10-15 हजार मासऱ्या इथं मेलेले आहेत आणि इथले जे लोक आहेत हे बिचारे, आज 2 दिवसा अगोदर ह्या आईची तब्येत खराब झाली आणि 5-10 लोक त्या पटले डॉक्टरांच्या इथं जाऊन दवा घेतलेला आहे, घरी जेवू नाही शकत। हा पूर्ण छोटा गोंदिया परिसरामध्ये हा मासऱ्यांचा वाद, जिथं जिथं हवा जातो तिथपर्यंत तो मासऱ्यांचा वाद जातो आणि लोक इथं राहू नाही शकत आहे। काही लोक आपल्या रिश्तेदारांकडे जाऊन सरी राहत आहेत आणि याच्यावर ह्या 24 तासामध्ये कमीत कमी शासनाने याच्यावर काहीतरी ॲक्शन घ्यायला पाहिजे आणि याची ते जे मार्ग लागत आहे ते आपल्याला तो व्हायला पाहिजे। आमचा घर टाक्याच्या समोरच आहे, तर समोरून असा एवढी दुर्गंधी वास येते, मासऱ्या मरण पावल्यात, पुष्कळ कम से कम 5,000 कि 7,000 दररोज मरतात मासऱ्या। तर याच्या समोर राहून नाही हो, उलट्या येवाला पाहतात। त्याच्या हाती कोणी लोक म्हणतात की मी मला राहून नाही होय, तर नगरपतीच्या शाळ्या म्हणे जाऊ का करू, असा जीव माझ्या लागते ना, घाबरसते परिवार धरून एकदमच। पहिले 20 साल पहिले आम्ही टाक्याचा पाणी पूर्ण भरत होतो, त्याच्यानंतर एवढी गंदगी आली आहे की पूर्णच गंदगी आली आहे, भयंकरच एकदम। त्या दवाखान्यामध्ये भरती बी झाले अशा उलट्या करू करू, एवढं नगर परिषद ध्यान नाही देणार, कोणी लोक ध्यान नाही देऊन राहिले। लेकरा बी आहेत, परिवार गडीवर येऊ नाही शकत, एवढी वासना अशी ठहरू नाही शकत माणूस एकदमच। पहिले दररोज आम्ही तर पाणी नेत होतो, कपडे, बर्तन, भांडे सर्व काही करत होतो, आता कोणी लक्ष देऊन नाही राहिले। आता कसा का करावाचा आहे का नाही ते नगर परिषदचे लोक करतात का कोणते आणखी लोक का करतात याचं कोणीतरी आम्हाला सांगा। आम्ही आता घर सोडून जाऊन की कोठी कलेक्टर ऑफिसमध्ये जाऊन का कचेरीमध्ये जाऊन बसून का करून, नगर परिषद शाळेमध्ये जावा तिथं तयारी आमची होऊनच गेली आहे। पारीवर राहतो,
दऱ्याच्या किनारीच राहतो पण मासे इतक्या वास येतात मेले आहेत तर कम से कम 10-20 हजार मासे मेले असते पण आम्हाला राहून नाही होत ना काय ना आमचे लेकरं बराब आहे तेही बिमार पडले आमची तब्येत बरी नसे या वासाच्या काय कारण दररोज आम्ही उलट्या करतो ना भात ना की काही आम्हाला खाऊन होत नाही ना काही नाही तर त्याच्यासाठी तुम्ही आमच्या दऱ्याजवळची तुम्ही व्यवस्थित करा ना तुम्ही या लवकर ना नाही येत असाल तर मग आम्ही सगळे ज बाया मिळून माणसा मिळून आम्ही तुमच्या याच्यामध्ये नगर परिषदमध्ये येतो आम्ही। एक शराबी युवक ने नशे की हालत में गांव के पास मोबाइल टावर पर चढ़ने की घटना सामने आई है। यह घटना ओपारा में घटी। सोमेश्वर मुखरान देशमुख उस शराबी युवक का नाम है जो नशे की हालत में गांव के पास लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया था। जैसे ही नागरिकों ने देखा कि सोमेश्वर टावर पर चढ़ गया है, तीन नागरिक टावर पर चढ़ गए और उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन सोमेश्वर नशे की हालत में था इसलिए उसे नीचे उतारना मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे ग्रामीणों ने टावर पर चढ़े नशे में धुत युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। युवक को नशे की हालत में टावर पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस अधिकारी सुशांत सिंह की कार्रवाई से अवैध तस्करों में हड़कंप मच गया है। 15 मई सुबह 10 बजे साकोली में उपविभागीय पुलिस अधीक्षक सुशांत सिंह और उनकी टीम ने बिना नंबर का जॉन डियर कंपनी का एक ट्रैक्टर में अवैध रेती चोरी कर रहे आरोपी ड्राइवर सावरबन निवासी विकास विजय रामटेके और मालिक साकोली के MB पटेल कॉलेज रोड निवासी प्रदीप वैद्य के खिलाफ साकोली थाने में मामला दर्ज कराया। उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशांत सिंह ने स्वयं अवैध रेती चोरी कर रहे एक ट्रैक्टर जिसकी कीमत 8,03,000 रुपए होकर आरोपी पर पुलिस स्टेशन साकोली में धारा 379-134 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुशांत सिंह PSI माधव परशुराम कर पुलिस नायक स्वप्निल गोस्वामी पुलिस सिपाही लोकेश कोटवार ने की है। तुमसर तहसील के तहत आने वाले 18 गुट ग्राम पंचायत का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, जिसके पश्चात चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, किंतु सीधे जनता से सरपंच चुनने की चुनावी प्रक्रिया का गुट ग्राम पंचायत को अब तक मौका नहीं मिला है। इन ग्राम पंचायतों का चुनाव के पश्चात सरपंच पद का आरक्षण घोषित किया जाएगा। वही 180 ग्राम पंचायत के आरक्षण की घोषणा आगामी समय में होने वाली है। तुमसर तहसील में कुल 97 ग्राम पंचायत है, जिसमें 18 गुट ग्राम पंचायत के चुनाव जनवरी माह में होंगे। जनवरी 2021 में गुट ग्राम पंचायत के चुनाव हुए थे। दिसंबर 2025 को उनका कार्यकाल खत्म होने पर गुट ग्राम पंचायत के चुनावों अधिसूचना निकलेगी। ग्राम पंचायत सरपंच पद के आरक्षण घोषित कर गुट ग्राम पंचायत को सीधे जनता से चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। 90 ग्राम पंचायत को सीधे सरपंच पद के चुनाव की सुविधा मिली है, किंतु गुट ग्राम पंचायत को एक भी बार यह सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। गुट ग्राम पंचायत के सरपंच पद का आरक्षण निकालते समय 18 ग्राम पंचायत के सरपंच पद का आरक्षण घोषित होगा। यही प्रक्रिया 90 ग्राम पंचायत के लिए अलग है। 2 वर्ष पूर्व ही सरपंच के आरक्षण की जानकारी मिल जाती है, जिसके लिए इच्छुक उम्मीदवार तैयारी शुरू कर देते हैं, किंतु गुट ग्राम पंचायत पर यह नियम लागू नहीं होने से गांव में नाराजगी का माहौल है। गुट ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार के बदले हुए नियम का किसी भी तरह का फायदा नहीं हुआ। गांव के चुने हुए सदस्यों में से सरपंच पद का चुनाव किए जाने के कारण अब सीधी सीधी चुनावी प्रक्रिया से सरपंच का चुनाव किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव प्रचार शनिवार की शाम को थम गया। सोमवार 20 मई को इन सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रीणवा ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए 5वें चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों एवं पोलिंग बूथ पर मतदाताओं एवं मतदान कर्मियों के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। पोलिंग पार्टियों के रवाना होने से पहले
अपडेट सभी मतदान कर्मियों को हीट स्ट्रोक से बचने और स्वास्थ्य के दृष्टिगत मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग की जा सके। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे औकत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। घुटने में दर्द के कारण परेशान वृद्ध ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम चांदोरी निवासी केशव नथुजी टिचकुले, उम्र 71 वर्ष है। कारधा पुलिस ने मामला दर्ज किया। तबीयत बिगड़ने पर जिला सामान्य अस्पताल लाए जाने के बाद व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम आंदलगांव निवासी सुरेश विनायक ढेंगरे, उम्र 52 वर्ष है। शराब पीकर एवं सड़क पर वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में सभी चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीमार्ट में चोरी करने वाली एक महिला को रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके पास से 3,150 रुपए की सामग्री जब्त की गई। गिरफ्तार महिला की पहचान तकियावाड़ भंडारा निवासी शारदा श्रीधर शर्मा, उम्र 55 वर्ष के रूप में हुई है। बिना लाइसेंस मुरुम उत्खनन कर ट्रैक्टर से परिवहन करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी का नाम सिपेवाड़ा निवासी नरेंद्र दौलत भोयर है। भंडारा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशीले दवाओं का सेवन करने वालों के खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई की है। आरोपी भंडारा निवासी अनिल सुरेश राणे, उम्र 42 वर्ष के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत निर्वासन की कार्रवाई की गई। केसलवाड़ा फाटा परिसर में पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान अवैध रूप से रेत की तस्करी कर रहे टिप्पर को पकड़ा गया। लाखनी पुलिस ने टिप्पर चालक सूर्यवाड़ा निवासी सुनील पुंडलिक मिश्रा, उम्र 44 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।